शतक जितना शानदार एक अर्धशतक। टेस्ट मैच के तमाम पैमानों पर नापें तो इस अर्धशतक की अहमियत किसी शतक से कम नहीं। तारीफ एक ओपनर के बल्ले से निकली, उससे भी अहम बात कि डेब्यू मैच में निकली। अपनी टीम के लिए आतंक का दूसरा नाम बन चुकी ओपनिंग इस मैच में साहस का सबब बन गई। उसे किया इस महारथी ने। इनका नाम तो आप पहले से सुन रहे थे, अब काम भी बोल उठा। इस मैच से पहले इस पूरे दौर में भारत के दोनों ओपनर्स ने मिलकर क्रीज पर जितना वक्त गुजारा उससे ज्यादा मयंक मोर्चे पर खड़े रहे। इन शॉट्स में विराट कोहली की झलक थी। कोई कह नहीं सकता था कि मयंक का पहला मैच कितना कुछ था जो उनके खिलाफ था। बर्थ में पिटने के बाद भारत भारी दबाव में था। कंगारू चढ़े हुए थे। स्टेडियम ऐसा जो अपनी विशालता और महानता से बड़े बड़ों को तंग करता है। मगर मयंक का ध्यान अर्जुन की तरह एकदम निशाने पर था। एक पल के लिए भी ना वो लड़खड़ाए ना हिचकिचा। जरा मयंक के डिफेंस पर ध्यान दीजिए। वो अपनी तकनीक और ऑफ स्टंप को लेकर इतने इत्मीनान में थे कि बड़ा इम्तिहान आसान बन गया। और जरा इन शॉट्स पर ध्यान दीजिए। और जिस नेथन लायन को सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने हवा बना रखा था उनके खिलाफ भी एकदम सहज रहे मयंक। उनकी सहजता उल्टे लायन को असहज करती रही। स्पिनर पर स्पिन के खिलाफ शॉट्स खेलना आसान नहीं होता, मगर उन्होंने इस काम को बड़े आराम से किया। एक तरह से मयंक ने बाकी बल्लेबाजों को भी बताया कि लायन को कैसे खेलना। सीरीज में पहला मौका है जब नई गेंद के सामने मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज नहीं होना पड़े। यहाँ हनुमा बिहारी का जिक्र भी जरूरी है। मध्यक्रम के इस बल्लेबाज ने ओपनिंग करते हुए बनाए तो सिर्फ 8 रन, मगर 66 गेंदे खेलकर नई गेंद की चमक को उड़ा दी। इसीलिए इस पारी में कंगारू मैदान के चारों कोनों में उड़ते नजर आ रहे हैं।